जिसका नाम है ऐप टेक्नोलॉजी इन हिंदी। आज हम बात करेंगे एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका एक पार्ट है ऑन पेज एसईओ। तो आज हम उसकी बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की, क्वालिटी कंटेंट, मेगा टैग, इमेज जो है वो ऑल्ट टैग लगता है हमेशा, तो हम इमेज के बारे में ऑल्ट टैग की भी बात करेंगे, इंटरनल बैकलिंकिंग क्या होती है और साइड स्पीड क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरा चैनल है जिसका नाम है ऐप टेक्नोलॉजी इन हिंदी, जिसमें बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, होता क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है, इसको हम शॉर्ट में एसईओ कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल की रैंकिंग में ऊपर लेके आते हैं। जैसे जो फर्स्ट पेज है गूगल का, उसमें लाना है या सेकंड पेज में लाना है, कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पेज में आए या फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक पे आए, इस तरह की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक बाई इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी है of the website or a web page to use of a web search engine। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और उस अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को एक अच्छे रैंक पे, आप पोजीशन पे रैंक करा सकते हैं। तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले है कि आपको एक जो आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS एक सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो जैसे उस पर अगर आपका ऐसे गेटवे होता है, पेमेंट कुछ लोग करते हैं, तो उसमें आपको HTTPS एक सिक्योर वेबसाइट होती है गूगल की तरफ से, ये होता है, तो इसमें आपका होना चाहिए। आपका जो URL हो बहुत सिंपल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या फिर ब्लॉग्स है, तो अगर आप कुछ कंटेंट लिखते हैं तो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी फ्रेश कंटेंट गूगल अलाउ करता है। और जिसकी वजह से, क्योंकि जो गूगल के कुछ बोर्ड्स हैं जो आपको वेबसाइट को क्राउल करते हैं, जितनी देखते हैं कि वेबसाइट में एक्चुअल में है क्या, तो अगर वो फ्रेश रहेगा तो वो जल्दी क्राउल करेंगे, और इसके अलावा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमें अगर एक ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करना है या एसईओ में करना है, तो सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना होता है। कोई भी एक नीच होता है, कोई भी एक टॉपिक होता है आपका, उस पर हमें एक कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको गूगल का कीवर्ड प्लानर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। हमें समझना है कि अगर आप एक न्यूज़ एजेंसी चला रहे हैं तो उसमें आपका कंपटीशन क्या है, तो उसको कंपटीशन को समझना है। आपकी वेबसाइट को किस तरह डिज़ाइन करना है, आपका थीम क्या है, वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें देखनी है। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है, ये चीज़ें हम आप प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊँगा चीज़ों को। और आपका जो कंटेंट है वो रेगुलर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक बार अगर आज कोई भी पब्लिश कर दिया तो आप भूल गए एक महीने बाद करने, ये रेगुलर होना चाहिए। और उस तरह से अगर आप वेबसाइट है आपकी, तो आप सोशल मीडिया को भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आपको जो आपका जो पब्लिक है या फिर आपका जो इंगेजिंग सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, तो चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, उससे आप कर सकते हैं। एक गूगल का टूल है गूगल एनालिटिक्स, उसको आपको वेबसाइट में लगा देंगे तो उससे आपके वेबसाइट में कितना ट्रैफिक है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, ये सब चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि हम इंगेज और रिलेवेंट है, सब टाइट सूटेबल आपका टाइटल होना चाहिए। कुछ आप अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो सूटेबल टाइटल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। आपका टैग्स अच्छा होना चाहिए, URL आपका क्लियर होना चाहिए, हेडर, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो थीम है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होनी चाहिए, और साइड स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। साइड स्पीड अगर अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे। तो एक वेबसाइट है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे ये इसका ये वेबसाइट है, तो ये इसका ये आपका हेडर हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने जिसको बताया आपको, ठीक है। तो ये वेबसाइट, ये जैसे ये वेबसाइट है, ये एक न्यूज़ की वेबसाइट है, जिसमें देखिए ये जो चीज़ें हैं इसमें लिखा हुआ है न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़, इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, जैसे ये अगर एक कोई टूरिस्ट प्लेस है मुनस्यारी, जिसमें लिखा हुआ, अगर इसमें है मुनस्यारी के बारे में ही बताएंगे तो ये करेक्ट टाइटल होगा। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान देना है, और सबसे अगर इजी रहेगा कि अगर आप कुछ भी चीज़ें करते हैं